Good morning, my dear lovely students. How are you? I hope you all are fit and fine and done your work properly. In the previous video, we done properties of division, and I hope you understand that properties and also solve this question regarding properties. So today we start our division questions. Okay, start with the division with one digit number. Okay, there are three types: division with one digit, division by two digit number, and division by three digit number. Today we start with division by one digit number. Okay, so let's start. देख, division by one digit number, it means जो हमारा dividend है, हमें किस उसे divide करना है one digit number से. It means जो हमारा divisor होगा वो क्या होगा, one digit का होगा. Okay, so here dividend is 8192 and our divisor is 2. So start the division. 8192 is our dividend and 2 is our divisor. So firstly we divide the 2 table up to 8. Okay, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8. So it's directly upon, then we write here 4, 2 fours are, that is 8, and 8 is right here. Then 8 minus 8, our next step is to minus. 8 minus 8, 0. And then 1 is carry upon. अब देखिए बच्चा, हमने यहाँ पर 1 carry किया. अब आप यूँ बताइए, क्या 1, 2 के टेबल में 1 को हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो देखिए, 2 को 2 के टेबल में अब हम 1 किसके नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 वनजा क्या होता है, 2 होता है. तो अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे. इसके लिए क्या कर देंगे, ज़ीरो लिख देंगे, क्योंकि वन तो जाएगा नहीं, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो. और क्या करेंगे, नेक्स्ट 9 को कैरी कर लेंगे. क्या करेंगे, 9 को कैरी कर लेंगे. ओके, अब देखिए, तो हम 19, देखिए 2 टेबल के 19 अब तो किस पे जाएगा बेटा, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 20 तो बड़ा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18. तो अब हम माइनस करेंगे, 9 माइनस 8 दैट इज 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0. ओके, अब हम नेक्स्ट अगेन कैरी करेंगे, यहाँ से 2 कैरी करेंगे. अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 12. क्या हो गया, 12. अब 2 के टेबल में 12 देखिए, 2 6 ज़ा 12. वी राइट हेयर 6 एंड 2 6 ज़ा 12. अवर नेक्स्ट स्टेप इज क्या करते हैं, माइनस. 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0. तो बेटा इसके अंदर हमारा क्वेश्चन क्या आया, 4096. और जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0. सो वी राइट हियर आफ्टर द डिवीजन दैट आवर क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 4096 एंड आवर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 982 बाय 3. इट इज ऑल्सो वन डिजिट नंबर, सो दैट सो इजी, डिवाइड बाय वन डिजिट नंबर. हियर डिविडेंड इज 982 एंड अवर डिवाइजर इज 3. सो लेट स्टार्ट विद रिविजन. देखिए बेटा, 3 है, 3 के टेबल पे काउंट आउट करेंगे, किसको हमने सबसे पहले देखना है, 9 को. तो 3 3 जा 9, वी राइट हियर 3 and then 3 3s are 9. Then our next step is to minus, 9 minus 9 that is 0. फिर then again हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 को कैरी करेंगे. अब देखिए 8 पे, यहाँ पर देखिए 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. 9 तो बड़ा हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 3 twos are 6. Then our next step is to minus, 8 माइनस 6 दैट इज 2. अब हम यहाँ से क्या कैरी करेंगे, 2 कैरी करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2. तो बच्चा हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 22. अब हम 23 के टेबल को रिसाइड करेंगे. देखिए बेटा, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24.
24 तो 3 8 सा बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 7 जा 21, हम क्या लेंगे 3 7 जा 21, और अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 माइनस 2 दैट इज 0. तो बेटा यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया 327, क्वेश्चन क्या आया 327, और रिमाइंडर क्या आया बेटा यहाँ पर 1, रिमाइंडर क्या आया 1. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन डिजिट नंबर. नाउ वी स्टार्ट डिवीजन बाय टू डिजिट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट डिवीजन विद टू डिजिट नंबर. हेयर डिविडेंड इज 624 एंड डिवाइडेड बाय 12. तो बेटा यहाँ पर डिवाइजर जो है वो हमारा क्या है 12, 12 क्या है टू डिजिट नंबर, और हम डिवाइड अब किससे करेंगे टू डिजिट नंबर से. बेटा मेथड सेम रहेगा, डिवीजन उसी के ही अकॉर्डिंग होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 624 इज डिवाइडेड बाय 12. ओके, अब देखिए, अब हमें 12 की टेबल, टू डिजिट नंबर है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है 6, तो 6 तो 12 के टेबल पे होगा नहीं. अब टू डिजिट नंबर है तो हमें चेक किसे करना पड़ेगा, फर्स्ट टू डिजिट्स को चेक करना होगा क्या वो 12 के टेबल पे आ रहा है या नहीं. ओके, टू डिजिट नंबर है तो हम चेक भी फर्स्ट टू डिजिट्स को ही करेंगे. ओके, अब देखिए 12 का टेबल हम डिसाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72. ओके, अब देखिए 12 6 जा 60 तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 72 62 से हाई हो जाएगा तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे. तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 5 जा 60. ओके, देन माइनस 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 6 दैट इज 0. तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्या कैरी करेंगे, यहाँ से 4 कैरी करेंगे तो बेटा यहाँ क्या बन गया 24. अब हम 12 के टेबल पे 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, फिर राइट हेयर 2 एंड 12 टू जा 24, देन वी माइनस 4 माइनस 4 दैट इज 0, 2 माइनस 2 दैट इज ऑल्सो 0. सो बेटा यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया. तो हमारा जो क्वेश्चन आया है वो क्या है 52, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है 0. सो वी राइट हेयर इन द फॉर्म ऑफ दैट अवर क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 52 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टू डिजिट नंबर, डिवाइड 6587 बाय 14. किससे डिवाइड करना है हमें 14 से डिवाइड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अवर डिविडेंड इज 6587 एंड अवर डिवाइजर इज 14. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बेटा अब देखिए हम 14 का टेबल डिसाइड करेंगे तो 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, तो 70 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि 70 इज ग्रेटर देन 65. सो बेटा हम क्या यूज करेंगे 14 4 जा 56. ओके, अब हम माइनस करेंगे. अब यहाँ पर 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, दैट वी कैन बोरो फ्रॉम 6 दैट इज 15, 15 माइनस 6 दैट इज 9. एंड बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ से बोरो लिया तो हमने, एंड 5 माइनस 5 0. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ से बेटा क्या कैरी करेंगे 8 कैरी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 98. बेटा इनके डिवीजन के लिए द टेबल्स आर मस्ट, यू हैव टू लर्न टेबल्स एट योर होम. ओके, अब देखिए आपको 14 का टेबल अगर आता है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. ओके, देन 14 7 जा 98 क्या होगा 14 7 जा 98. अब हम माइनस करेंगे 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0. अब हम यहाँ पर क्या है बेटा 7, 7 को कैरी करेंगे तो बेटा अब हम देखो आगे से डिवाइड तो कर नहीं सकते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा. बेटा हमने यहाँ पर 0 क्यों पुट किया, क्योंकि देखिए 14 अगर हम आगे डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ है 14 और यहाँ क्या है 7 है, तो 14 के टेबल में क्या 14 वन ज़ा 14 होता है, तो 14 0 ज़ा क्या होगा 0 होगा. इसलिए हमने यहाँ पर क्या, क्योंकि हमने यहाँ कैरी किया है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 0 और हमारा रिमाइंडर ही क्या हो जाएगा 7. सो हियर वी राइट
that our quotient is equals to 470 and remainder is equals to 7. Okay.